और ज्योतिष आचार्य जी, नवरात्र कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो नवरात्र में 9 दिनों तक भक्त कौन से 9 रंग के कपड़े पहने जिससे माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर बनी रहे? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। इस बार 9 अप्रैल से जो चैती नवरात्र यानी बसंतिक नवरात्र, बसंत ऋतु का नवरात्र जो प्रारंभ हो रहा है, उसमें यदि प्रत्येक दिन के अनुसार और माँ की कृपा के अनुसार, माँ का पूजा के अनुसार यदि वस्त्र धारण करके आप माँ का पूजन करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। माता रानी का पूजा जो है, जैसे प्रथम दिन प्रथमम शैल पुत्री च, प्रथम दिन शैल पुत्री की पूजा होती है, तो शैल पुत्री की पूजा जो है आप करेंगे तो आप भी उसी प्रकार से वस्त्र पहन करके यदि मंदिर जा करके पूजा करते हैं तो आपको उसका ज़्यादा लाभ होगा। जैसे शैल पुत्री की पूजा करें तो गुलाबी रंग का वस्त्र पहने, ब्रह्मचारिणी का पूजा दूसरे दिन करें तो सफ़ेद वस्त्र पहन करके जाएं, और चंद्रघंटा की पूजा करें तो लाल रंग का वस्त्र पहने। कुष्मांडा देवी चौथे दिन जो पूजा होगा उस दिन नीला या पीला कपड़ा पहन के जाएं, कुष्मांडा देवी का पूजा करें। और स्कंद माता की पूजा जो है वह ग्रे कलर या आसमानी कलर जो है उस रंग का आप कपड़े यदि पहन करके जाते हैं तो माँ स्कंद माता की कृपा आपके ऊपर निश्चित बनेगी। और कात्यायनी देवी का जो पूजा करेंगे वह लाल या पीला कपड़ा पहन करके जाएं और माता रानी का पूजन करें। काल रात्रि की पूजा जो है वह हरा या भूरा, हरा रंग का वस्त्र हो या भूरे रंग का वस्त्र हो उस दिन पहने और माँ काल रात्रि का पूजन करें। महागौरी का पूजन जो है बैंगनी कलर के वस्त्र को पहने और माँ गौरी से आप जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। और 9वें दिन सिद्धदात्री की जो पूजा आप करेंगे वह मोर पंखी हरा वस्त्र पहन करके और पूजा करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, यह आपके लिए शुभ होगा।